अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वो पिज़्ज़ा बंस बनाना सिखाऊंगी, तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। कब लिया है मैंने दूध, ये रूम टेम्परेचर पे है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। और उसी कप से नाप कर हाफ कप लिया है मैंने नीम गर्म पानी। 1 टेबल स्पून चीनी, 2 टेबल स्पून खमीर, और अभी इन तमाम ही चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और एक साइड में रख देंगे ताकि ये राइज हो जाए। 3 कप लिया है मैंने मैदा, 1 टेबल स्पून नमक। अच्छे से हम मिक्स करेंगे और 2 टेबल स्पून ऑयल भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम खमीर से इसको आटे की तरह गूंध लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता से आप खमीर को डालिएगा और गूंदिएगा। यहाँ हमारा आटा गूंद चुका है, तब इसके ऊपर 1 टीस्पून के बराबर मैं ऑयल डाल दूंगी। अच्छी तरीके से हर तरफ लगा देंगे और इसको हम रख देंगे 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर। 2 घंटे गुजर चुके हैं तो हमारी जो पिज़्ज़ा डो है काफ़ी अच्छी राइज हुई है, तो इसको पंच डाउन कर लेते हैं। टू थ्री टेबल स्पून हम ऑयल डाल लेंगे, ऑयल गरम कर लेंगे और इसके अंदर 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद अच्छे से भून लेंगे। 250 ग्राम बोनलेस चिकन है 1 पाव, और हम इसको इतना भूनेंगे कि चिकन अपना कलर चेंज कर ले। तो जब तक इसे भूनना है, चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है, तो अब इसके अंदर मैं मसाले डालूंगी। तो 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून अजीनोमोटो है और 1/2 टीस्पून हल्दी है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कीजिएगा। और हम मसाले डालने के बाद अच्छे से भून लेंगे और लिड लगा कर रख देंगे जब तक हमारी चिकन गल ना जाए। चिकन को मैंने 1 राउंड ग्राइंडर के अंदर चला लिया है ताकि श्रेड हो जाए। आप हाथों की मदद से भी इसको श्रेड कर सकते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल ऐसे कर लीजिएगा। अब हम पिज़्ज़ा बंस बनाएंगे, तो मैंने एक पोर्शन ले लिया है आटे का और अब इसको हम बेलेंगे। और हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा बेलना है और इसको 4 हिस्सों में हमें डिवाइड कर लेना है। और अब इसके ऊपर मैं बेस के ऊपर मैंने मायोनीज और केचप को मिक्स कर लिया था, वो लगाया है। आप कोई सी भी स्प्रेड लगा सकते हैं इसके ऊपर जो आपको पसंद हो। और श्रेडेड की हुई चिकन रख देंगे। अच्छा, हमें ज़्यादा इसमें भरना नहीं है कुछ भी, वरना हमारे बंस अच्छे नहीं बनेंगे। थोड़ी सी मैंने प्याज को कट कर लिया था तो वो डाल देंगे। थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च कट करी है वो डालेंगे। और छोटे छोटे से क्यूब्स काटिएगा इन सब चीज़ों के। ये मोज़रेला और चेडर चीज़ स्ट्रेट की थी, वो थोड़ी थोड़ी सी डाल देंगे इसके अंदर। और मैं आपको एक बंद बना के दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके से बनेगा। तो थोड़ा सा पानी साइड्स पर लगा लीजिएगा और इस तरीके से फोल्ड कीजिएगा। और इस तरीके से इसको ऊपर इसके चिपका दीजिएगा। तो ये हमारा बहुत अच्छा सा ट्रायंगल सा बन बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं इसको बेकिंग ट्रे में रख दूँगी और अच्छे से इन तमाम ही बंस के ऊपर ये अंडा है ये हम लगा देंगे। और यहाँ मैंने थोड़ी सी कलौंजी और सफ़ेद तिल हैं वो मिक्स कर लिए हैं, वो इनके ऊपर लगा देंगे ताकि बहुत अच्छे से लगें। और इनको तकरीबन हम 30 मिनट्स के लिए पतीली के अंदर बेक करेंगे। तो प्री हीट कर लीजिएगा 15 मिनट्स पहले ही पतीली को। थर्टीन मिनट्स गुजर चुके हैं तो हम बंस को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे बंस तैयार हैं।
इन बंस को आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो एक बन मैंने राउंड बनाया था, तो अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। तो अभी देखिएगा कि कितना सॉफ्ट और अच्छा बना है। पिज़्ज़ा बंस बनकर तैयार हैं। आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।